सुर्खियों में बने हार्दिक पटेल के नए नए वीडियो सामने आ रहे हैं। पाटीदार अमानत आंदोलन समिति के नेता हार्दिक पटेल के 4 नए वीडियो क्लिप आने के दावे किए जा रहे हैं। सूत्रों की रिपोर्ट के अनुसार इन वीडियो में कथित तौर पर हार्दिक और उनके दोस्त शराब पी रहे हैं और उनके साथ एक महिला भी है। वीडियो में कथित तौर पर हार्दिक पाटीदार आरक्षण आंदोलन में मारे गए लोगों के शोक में सिर मुंडवाने के बाद मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अभी तक किसी ने भी इन वीडियो क्लिप की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं की है। दूसरी तरफ गुजरात में 9 दिसंबर और 14 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। नतीजे 18 दिसंबर को आएंगे। हार्दिक पटेल ने इन वीडियो के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए कहा कि बीजेपी उनकी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। जब उसके 22 साल के विकास का भांडा फूट गया तो वो एक 23 साल के लड़के के पीछे पड़ गई है। हार्दिक पटेल ने कहा कि वो अपने वकील से संपर्क करेंगे और साजिश करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। हालांकि बीजेपी ने ऐसे वीडियो के सामने आने में किसी तरह की भूमिका से इनकार किया है। इससे पहले हार्दिक का एक और वीडियो सामने आया था जिसमें वो गुजरात के उस होटल में दिख रहे थे जिसमें कांग्रेस नेता रुके थे। वहीं कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने आरोप लगाया था कि आईबी और गुजरात पुलिस के लोग उस होटल के सीसीटीवी फुटेज ले गए थे और उसे बीजेपी की राज्य और केंद्र सरकार के इशारे पर मीडिया को लीक कर दिया। हालांकि बीजेपी सरकार ने इन आरोपों से इनकार किया है। देखने वाली बात यही होगी कि क्या इस साजिश से हार्दिक पटेल को आने वाले चुनावों में नुकसान होगा और बीजेपी को क्या फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम्स।